हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल गणपति जी के भोग के लिए रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही स्पेशल ये है कस्टर्ड मिल्क फालूदा रेसिपी। और ये बनाना बहुत ही आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी, इतनी ही यम्मी है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, इस रेसिपी के लिए एक बाउल में ले लेंगे एक ग्लास पानी और इसे हम एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी सेवई, ये मार्केट वाली बिना भुनी वाली सेवई है। तो इसे बिना भुने ही हम इसमें ऐसे डाल देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो ये देखिए, मैंने इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकाया और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी लगभग 2 से 3 चम्मच खाने वाले चम्मच से, और बस इसे जो है चीनी पकने तक, मतलब घुलने तक पकाना है। और उसके बाद ये देखिए पक चुका है अच्छे से। अब हम इसे जो है ना हटा लेंगे और इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने इसे छान लिया है। अब इसके ऊपर एक ग्लास पानी हम डालेंगे जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं और अलग अलग खिले खिले से रहें। तो बस इन्हें रख देंगे साइड में। और यहाँ पर मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, तो 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को मैंने जो है आधे कप दूध में इसका एक घोल बना लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो लम्स फ्री घोल बना लेना और इसे रख देना है साइड में। तो तब तक यहाँ पर पैन में हम ले लेंगे 1 ग्लास दूध, ये फुल फैट मिल्क है और वेट की बात करें तो 250 ग्राम दूध है। तो जब तक वो दूध बॉयल होता है तब तक यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच सब्जा के बीज हैं, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, और नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो जब तक दूध हमारा बॉयल हो रहा है मैंने इसे भिगो दिया है और ये अभी फूल के बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। इधर दूध भी देखिए अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी शुगर, तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच लिए हैं। तो शुगर को अच्छे से हम इसमें जो है घुल जाने देंगे और दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो गया। तो अब इसमें हम ये जो है कस्टर्ड पाउडर का जो मैंने घोल बनाया था ना उसे डाल दिया। तो इसको डालने के बाद जस्ट मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि इसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है। बहुत गाढ़ा कर देंगे ना तो ये एकदम आइसक्रीम के टेक्सचर में आ जाएगा। तो बस इसे मैंने निकाल लिया एक बाउल में और इसे जो है ठंडा करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। और ये देखिए सब्जा के बीज अच्छे से फूल चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है, इसे हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो चलिए मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्लास ले लिया है और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच सब्जा के बीज डाल दिए हैं और उसके ऊपर से मैंने एक लेयर लगाई है यहाँ पर सेवई की कुछ इस तरह से। तो ये देखिए सेवई लगाने के बाद इसमें हम 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे और ये अच्छे से ठंडा होना चाहिए, फ्रिज में रख कर ठंडा कर ले इसे। और उसके बाद ना इसमें कस्टर्ड डालने के बाद में इसमें वापस से 1 चम्मच सब्जा डालेंगे और उसके बाद जो भी फ्रूट हमारे पास अवेलेबल है आप उसे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेब लिए हैं और कुछ केले लिए हैं और बाकी आपके पास जो हो आप उसे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए थोड़ी सी टूटी फूटी नहीं है तो आप अनार के दाने वगैरह भी डाल सकते हैं। और ऊपर से 1-2 चम्मच फिर से कस्टर्ड मैंने डाला है और उसके बाद इसमें कुछ डाल देंगे हम फिर से फ्रूट्स, और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उससे इसे डेकोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टूटी फूटी डाल दिया है, थोड़े से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने मगास डाले हैं, काजू डाले हैं, किशमिश डाले हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए रेडी है हमारा टेस्टी हेल्दी एंड यम्मी फालूदा कस्टर्ड मिल्क पाउडर। तो इसे जो है मैंने इस तरह से सर्व किया है। आप इस तरह से आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, गणपति जी को भोग लगा सकते हैं, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो देखने में डिलीशियस लग ही रहा है ना, ये खाने में भी उतना ही डिलीशियस है और बनाने में आपने देखा है कितना ही आसान है ये। तो इस तरह से मैं इसे आपको सर्व करके दिखाया है और मैं आपको आज अभी इसे 2 तरीके और दिखाऊंगी सर्व करने के, कि आप इसे और 2 तरीके से कैसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी गेस्ट के आगे भी इसे गर्मियों में दे सकते हैं, खाने में बहुत ही यम्मी है, बहुत ही हेल्दी है। तो गाइस इसे मैं एक और तरीका आपको दिखाती हूँ सर्व करने का और उसके बाद तीसरा भी मैं आपको दिखाऊंगी।
गाइस कैसा लगा मेरा ये सेकंड तरीका। और थर्ड ये है, आप सारी चीज़ों को जितने भी मैंने मटेरियल आपके साथ शेयर किए हैं सारी चीज़ों को एक बाउल में अच्छे से जो है मिक्स कर दें, ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट लगा दें और आप इसे अपने मतलब टेस्ट अकॉर्डिंग किसी भी तरह से डेकोर कर दें और सर्विंग डिश में ही करें और डाइनिंग टेबल पर ऐसे रख देना, बहुत ही देखने में यम्मी एंड टेस्टी लगेगा। देखने वाला ना एक बार देख कर ही उसके मुँह में पानी आ जाएगा। तो खीर की तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और ब्लॉग के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ में। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।